हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज आप करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की है कि सारी डिटेल दिखाएंगे कि कंप्यूटर्स की डिवेलपमेंट स्टार्ट कितों हुई सी। ठीक है, सब तो पहला आप देखेंगे अबैकस। अबैकस की है राजे, ये मैनुअली कैलकुलेटिंग डिवाइस है। मैनुअली आप कैलकुलेट करते सीगे। ठीक है, ये की सीगे बीड्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग बीड्स। ठीक है, तो जो काउंटिंग मैनुअली परफॉर्म होंदी सी इन्हां बीड्स नू काउंट करके अलग अलग बीड्स होंदियां सी उपर अलग बीड्स। ठीक है, तो इन्हां बीड्स नू काउंटिंग करके की है जो भी कैलकुलेशन है वह परफॉर्म होंदी सी। बीड्स नू की है मूव किया जाता सीगा एडिशन ते इहदे विच सिर्फ की आपां ऐड ते सबट्रैक्ट बेसिकली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कॉमन डिवाइस सीगा चाइना दे विच, बेसिकली ये कॉमन डिवाइस हैगा जो अबैकस सीगा। ठीक है, अगला हैगा नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, ठीक है, इन्हां नू नेपियर रॉड्स भी कह देंदे आ। ठीक है, यह इनवेंट किए सीगे जॉन नेपियर ने, ताइयों इन्हां दा नाम की है नेपियर बोन्स सीगा। ठीक है, जॉन नेपियर ने यह इनवेंट करते सीगे। ठीक है, बोन्स क्यों कहते सीगे, क्योंकि इहदे विच की सीगा रिक्टेंगुलर रॉड्स होंदे सीगे, रिक्टेंगुलर रॉड्स सीगे। ठीक है, बोन्स इन्हू क्यों कहते सी, क्योंकि इहदे विच की है रिक्टेंगुलर रॉड्स होंदे सीगे। इन्हां रिक्टेंगुलर रॉड्स के उपर की हुंदा सीगा राजे, इहदे विच की है कि अपने कोल 0, 1, 2, 3 जिन्हें भी नंबरस है सारे नंबरस होंगे सीगे, तो नीचे की है उन्होंने मल्टीपल्स होंगे सी, जिवें 0 का 0 सारे 0 ही होंगे मल्टीपल। ठीक है, 1 का क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 2 का क्या होगा मतलब ये टेबल होंगे सी नीचे 4, 6, 8। ठीक है, इस तरह की है सारे टेबल्स नीचे ये होंगे सी। ठीक है, 3 का क्या आ जाऊगा 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो ये की सीगा रिक्टेंगुलर रॉड्स होंगे सीगे जिदे की है मल्टीपल्स होंगे सी हर एक दे। इस किसी 1 के मल्टीपल्स 2 के मल्टीपल्स 3 के मल्टीपल्स इस तरह 4 के मल्टीपल्स अलग अलग मल्टीपल्स होंगे सीगे। ठीक है, तो की सीगा एनी मल्टीपल आप पढ़ सकते सीगे 1 to 5, 5। ठीक है, अगर 4 to 4 तो 8। ठीक है, इस तरह की आप मल्टीपल्स पढ़ सकते सीगे। ठीक है, अगला हैगा पास्कलाइन। नेक्स्ट इज पास्कलाइन। पास्कलाइन किने डिस्क इन्वेंट की थी सी, ब्लेस पास्कल ने। ठीक है, ब्लेस पास्कल ने यह इन्वेंट की थी सी, तो सिर्फ ये ऐड ते सबट्रैक्ट परफॉर्म कर सकती सी, तो ये काम करती सी डेल्स नू घुमाउण नाल। ठीक है, सिस्टम दे अलग अलग डेल्स लगे होंगे सी, थोड़ी पिक्चर दिखा दें। ठीक है, इस तरह के डेल्स होंगे सके। ठीक है, मशीन के उपर की है इस तरह के डायल्स बने होंगे सके, तो उन्होंने की है रोटेट करके जो भी है इनपुट दिती जाती सी। ठीक है, अगला हैगा लैबनिट्स कैलकुलेटर। लैबनिट्स कैलकुलेटर, ठीक है, ये की सीगा राजे, ये ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सारा कुछ कर सकती सी। ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई ते डिवाइड सारा कुछ कर सकती सी, स्केयर रूट्स रूट्स भी ईवन परफॉर्म कर सकती सी। ठीक है, ये की सीगा डायल्स की जगह पर की है सिलेंडरस यूज किए जाते, अलग अलग तरह के सिलेंडरस यूज किए जाते इनू चलाने लिए, तो यदा इनवेंटर लैबनिट्स सीगा करके ये नाम की है लैबनिट्स कैलकुलेटर या फिर स्टैप्ड रैकन रैकनर कहा जाता सीगा। ठीक है, स्टैप्ड रैकोनर, ठीक है, इस मशीन का नाम सीगा स्टैप्ड रैकोनर, इनवेंट की सी लैबनिट्स ने। ठीक है, अगला कंप्यूटर सीगा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, ठीक है, ये इन्वेंट किया सीगा चार्ल्स बैबेज ने। चार्ल्स बैबेज ने यह इन्वेंट किया सीगा, तो ये इनू डिफरेंस मशीन इंजन क्यों कहते सीगे, क्योंकि एक मैथ के प्रिंसीपल ते बेस्ड सीगा। ठीक है,
ਜੋ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਮੈਥਡ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ। ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਟੀਮ ਡਰਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੀਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਐਨਾਲੈਟੀਕਲ ਇੰਜਨ। ਐਨਾਲੈਟੀਕਲ ਇੰਜਨ ਐਨਾਲੈਟੀਕਲ ਇੰਜਨ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਵੀ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਨਾਲੈਟੀਕਲ ਇੰਜਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਐਨਾਲੈਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਾਲੈਟੀਕਲ ਇੰਜਨ ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਮਿਲ। ਸਟੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਟੋਰ ਮੈਮਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਂਗੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸੇਮ ਮੈਮਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਡ ਕਾਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਚਡ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਹਾਲਰਿਥ ਸਟੈਬਲੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਹਾਲਰਿਥ ਟੈਬੂਲੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਰਮਨ ਹਾਲਰਿਥ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ? ਹਾਲਰਿਥ ਟੈਬੂਲੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੈਬੂਲੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਟੈਬੂਲੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਰਿਥ ਦੀ, ਉਹ ਬੇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੀ IBM ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ Mark 1 ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਰ Mark 1 ਕੰਪਿਊਟਰਸ। Mark 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਇਹ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਵਰਡ ਆਈਕਨ ਨੇ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, IBM ਦੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਐਡ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਡਿਵਾਈਡ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਹਿਊਜ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ Mark 1 ਕੰਪਿਊਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਏ? ENIAC ਕੰਪਿਊਟਰ। ENIAC, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੁਮੈਰੀਕਲ
इंटीग्रेटर, एनालाइजर, एनालाइजर एंड कंप्यूटर। जो ये नाम ने वो सारे ये की है फीचर्स सी, ठीक है। ये काफ़ी वैक्यूम ट्यूब्स यूज होनी सी, एक तो ज़्यादा की है वैक्यूम ट्यूब्स होनी सी, जिदे करके की है यदा साइज की सी, बिग साइज, काफ़ी वड्डा साइज सी, ठीक है। तो स्टोरेज कैपैसिटी की सी, लिमिटेड स्टोरेज कैपैसिटी सी, लिमिटेड स्टोरेज, ठीक है। यही की है एनआईएक्स सी। अगला हैगा मैनचेस्टर, मार्क वन, मैनचेस्टर मार्क वन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सीगा ये भी, ठीक है। तो ये की सीगा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड कंप्यूटर सी ये, तो ये मैनचेस्टर मार्क वन क्यों सी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की है डिवेलप होया सीगा, ठीक है। उस तो अगला हैगा यूनी वैक, यूनिवैक किसी यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, ठीक है। तो एक किसी फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर सी, जो कमर्शियल पर्पस दे लई यूज हुंदा सीगा, यूनिवैक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर सी, ठीक है। तो यह डिजाइन किया सीगा इनवेंटर्स ऑफ इनआईएक दे इनवेंटर्स ने ही यह की है डिजाइन किया सी, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो यह सी राजे हिस्टरी ऑफ कंप्यूटर्स, ये थोनों याद ही करनी पेगी, क्योंकि जो भी नाम्स ने अलग अलग जो डिवेलपमेंट्स ने किने किने डिवेलप किया, ये थोनों की है याद रखना पेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।